हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोग एसी सर्किट कंटेनिंग अ रजिस्टर ओनली, या फिर इसे हम लोग प्योरली रजिस्टिव सर्किट भी कहते हैं, ऐसे ही और दो पॉइंट्स है जिसके अंदर सिर्फ इंडक्टर लगाया जाएगा, जिसे हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट कहेंगे, और बाद में लास्ट वाला जो है वो है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं प्योरली रजिस्टिव सर्किट की। तो देखो बेटा, अगर आपको यहाँ पे किसी भी सर्किट के अंदर सिर्फ रजिस्टर दिखाई दे रहा है जो कि रजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो किसी भी सर्किट के अंदर सिर्फ अगर रजिस्टेंस होगा तो ऐसे सर्किट को हम लोग प्योरली रजिस्टिव सर्किट कहेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने इस यहाँ पे एक रजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे लगा दिया है और उसे एसी सप्लाई यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो एसी वोल्टेज कितना होगा बेटा, एसी के लिए कितना होता है, E is equals to E naught into sin omega t, इतना वोल्टेज होगा जो कि हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी इससे ही कितना करंट प्रोड्यूस होगा, अगर ये निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओहम्स लॉ लगा सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे बाय ओहम्स लॉ। तो ओहम्स लॉ क्या है, V is equals to I into R, लेकिन V कौन है बेटा, यहां पे V E है, E से रिप्रेजेंटेशन है वोल्टेज का, सो E इज इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, तो E है अपने पास, E कितना है, E है E नॉट इंटू साइन ओमेगा T इज इक्वल्स टू I इंटू R। तो यहां से हम लोग I निकाल सकते हैं, I बन जाएगा I इज इक्वल्स टू E नॉट डिवाइडेड बाय R इंटू साइन ओमेगा T। ठीक है बेटा, तो इतना करंट हमें यहां पे मिल रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट कब मिलेगा, तो हम देखेंगे कि साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है, 1, उसे हम लोग 1 पुट कर देंगे। तो अगर ये वैल्यू जो है साइन ओमेगा T, अगर ये 1 बन जाता है तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, सिर्फ E नॉट अपॉन R। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम करंट की, मैक्सिमम करंट बोल सकते हो या फिर हम क्या बोल सकते हैं बेटा, पीक करंट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, पीक करंट, तो पीक करंट जो होता है ये हम लोग I नॉट से दिखाते हैं। सो I नॉट बन जाएगा यहाँ पे E नॉट डिवाइडेड बाय R। ठीक है, तो अब ये वैल्यू पुट कर दो, E नॉट अपॉन R की जगह पे हम लोग I नॉट लिख सकते हैं, तो हमें इक्वेशन मिलेगा I इज इक्वल्स टू I नॉट इनटू साइन ओमेगा T। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे EMF भी है, वोल्टेज भी है, और सेकंड अपने पास यहाँ पे करंट का भी इक्वेशन है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे वोल्टेज, तो ये जो साइन ओमेगा टी जो दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पे, ये जो साइन के आगे जो दिया होता है ना, इसे बोला जाता है फेज। तो यहाँ पे फेज कितना है, ओमेगा टी, ओमेगा टी, इसे क्या बोला जाएगा बेटा, फेज, इसे आप फेज एंगल भी बोल सकते हो। और करंट के लिए भी क्या है, करंट के लिए भी साइन ओमेगा टी ही है, मतलब ईएमएफ के इक्वेशन में भी साइन ओमेगा टी है और करंट के इक्वेशन में भी साइन ओमेगा टी ही है। इसका मतलब दोनों का फेज सेम है, बात समझ लो। अगर यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, या फिर ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, या फिर प्लस माइनस में कुछ भी अगर होता है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो फेज होता है उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई देगा, तो उसमें वो सेम फेज में नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो ईएमएफ के इक्वेशन में और करंट के इक्वेशन में जो आपका फेज है वो सेम ही है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्योरली रजिस्टिव सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट ये दोनों सेम फेज में होते हैं। क्या ये बात क्लियर बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, ये दोनों कैसे है यहाँ पे, सेम फेज में है। अब इसे से ही हम लोग क्या करेंगे, इसे से ही हम लोग वेव फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वेव फॉर्म बनाएंगे। वेव फॉर्म के लिए यहाँ पे हमें जिस तरह से हमने एसी का ग्राफ प्लॉट किया था वैसे ही ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे वाई एक्सिस लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग
करंट और वोल्टेज लेंगे, और सेकंड जो है इसके ऊपर हम लोग टाइम लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे अभी देखो, अपने पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन कौन सा बेटा, एक इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू E नॉट इनटू साइन ओमेगा t, और सेकंड इक्वेशन है करंट का I इज इक्वल्स टू I नॉट इनटू साइन ओमेगा t। दोनों का फेज कैसा है, सेम ही है। तो अगर मैं यहां पे टाइम अगर सबसे पहले जीरो रख देता हूं, तो अगर टाइम जीरो रखेंगे तो E जो है वो आपको जीरो मिलेगा। इसका मतलब आपका जो कर्व है वो इस ओरिजिन से स्टार्ट होगा जीरो से। तो इस तरह से ये AC का जो कर्व है वो हमें मिलेगा। ओके, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसका ये जो पीक पॉइंट है यहां पे हमें क्या मिलेगा, E नॉट मिलेगा, ठीक है। तो यहां से ये स्टार्ट हो रहा है जीरो से, ये एंगल बन जाएगा पाई बाई टू, ये एंगल रहेगा पाई, यहाँ पे एंगल हमें मिलेगा 3 पाई बाई टू, और यहाँ पे मिलेगा 2 पाई। तो एक साइकिल यहाँ पे ये कंप्लीट कर रहा है, राइट। तो बेटा ये तो ग्राफ हो गया किसका, ईएमएफ का। अब इसी तरह से हम लोग कौन सा ग्राफ बना सकते हैं, आई का भी ग्राफ बना सकते हैं। अभी आई का मुझे फेज बताओ कितना है, ये फेज भी कितना है, ओमेगा टी ही है। तो सबसे पहले अगर मैं टाइम जीरो रख देता हूं तो करंट यहाँ पे जीरो बन रहा है, तो करंट भी यहां से ही स्टार्ट होगा ओरिजिन से। तो इस तरह से मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूं, तो करंट की वैल्यू थोड़ी सी कम रहेगी क्योंकि रेजिस्टेंस भी होगा। तो इस तरह से हमें ये करंट मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इसका पीक वैल्यू होगा जिसे हम लोग आई नॉट कहेंगे, क्लियर बेटा। तो इस तरह से इसे हम लोग वेव फॉर्म बोलते हैं, और ये वेव फॉर्म किसके लिए रहेगा, प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए। और इसी से हमें अभी फेजर डायग्राम बनाना है। तो फेजर डायग्राम में क्या होगा बेटा, फेजर डायग्राम में अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है वो देखना है। सो फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम में सबसे पहले हम लोग यहां पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे क्या करना होगा, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल ले लेते हैं, तो ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से ओरिजिन से, तो इस तरह की ये लाइन है, थोड़ा सा एंगल यहाँ पे कम बना देते हैं, तो यहां से, ठीक है। और ये जो लाइन है ये x एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा है, तो एंगल कितना है बेटा, यहां पे देख लेना ओमेगा टी इतना एंगल है, तो मैं यहां पे ओमेगा टी लिख देता हूं, ओमेगा टी इतना आपका फेज डिफरेंस यहां पे बन रहा है। तो अभी अगर हम लोग बात करें तो वोल्टेज जो यहां पे वोल्टेज हमें दिखाई दे रहा है, तो वोल्टेज का फेज डिफरेंस कितना है, ओमेगा टी है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो इसी लाइन पे ओमेगा टी, इसी लाइन पे हमें क्या मिलेगा बेटा, ई नॉट मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा वो, राइट। और करंट का कितना है, करंट का भी ओमेगा टी ही है, तो करंट भी इसी लाइन पे लाइन करेगा, तो यहां पे मैं आई नॉट लिख देता हूं। बात समझ रहे हो, देखो दोनों में डिफरेंस है क्या, कुछ कुछ भी डिफरेंस नहीं है। वोल्टेज के लिए जो फेज एंगल आपको यहां पे दिखाई दे रहा है वही फेज एंगल करंट के लिए भी है, इसका मतलब दोनों में कोई भी एंगल डिफरेंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए दोनों के दोनों एक ही लाइन पे आ जाएंगे। और यहाँ पे ये जो लाइन हमने शो की है ये एक सर्टन एंगल पे है, ओमेगा टी, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, एक्स एक्सिस पे भी आप इसको शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ओमेगा टी में एंगल दिखाना था। हाँ, अगर एंगल जीरो बन जाता था तो फिर हम वो एक्स एक्सिस पे दिखा देंगे, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा हमें, ये जो E नॉट है यहां से एक परपेंडिकुलर ले लेते हैं, हमेशा इस परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ करना है, और यहां पे आपको E का इक्वेशन लिखना है। तो E का इक्वेशन क्या है, दैट इज E नॉट इनटू साइन ओमेगा टी,
उसी तरह से आई को भी दिखा देंगे, तो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, तो इसे बोला जाता है फेजर डायग्राम, और ये जो है ये इसका वेव फॉर्म है, और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसे हम लोग बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमें प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव देखना है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।